हेलो दोस्तों, मैं विजय चेत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वांट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड वैल्यूएबल फीडबैक्स। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के प्रेम को और भी गहराई से जान सके। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही खतरनाक मसीह विरोधी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम सुनते ही मसीह लोग डरते थे, क्योंकि वो उन पर बहुत अत्याचार करता था और कठिन यातनाएं देकर जेल में बंद कर देता था। जानते हैं कौन था वो व्यक्ति? वो व्यक्ति था एपोस्टल पॉल, एक रोमन सिपाही जो एक कट्टर यहूदी था, जो मसीह लोगों को सताने पर यह सोचता था कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन कैसे और क्यों एक कट्टर क्रिश्चियन विरोधी खुद क्रिश्चियन बना और प्रभु यीशु का सच्चा चेला बना, आइए जानते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या था वो राज जिसके द्वारा एपोस्टल पॉल ने प्रभु यीशु के 12 चेलों में से सबसे सफल और प्रभावशाली सेवकाई किया? अगर आप भी एपोस्टल पॉल की तरह सेवकाई करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आइए देखें पॉल कैसे और क्यों क्रिश्चियन बने। बाइबल प्रेरितों के काम 9 अध्याय में कहती है, और साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्कस की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में लेकर आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्कस के निकट पहुंचा, तो एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठ, नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। ये वही साउल है जिसको आज हम पॉल के नाम से जानते हैं। तो देखा आपने, जो व्यक्ति प्रभु यीशु के चेलों को सताने पर अपना धर्म मानकर परमेश्वर की बेस्ट सेवा कर रहा सोचता था, उसे ही प्रभु यीशु ने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? और जब पॉल ने ये जाना कि सारे ब्रह्मांड को रचने वाले सृष्टिकर्ता और सच्चे परमेश्वर तो प्रभु यीशु ही है, तब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया और एक सच्चा चेला बन गया, यहाँ तक प्रभु यीशु के लिए अपना जान तक कुर्बान कर दिया। आइए अब जानें एपोस्टल पॉल के पावरफुल मिनिस्ट्री का राज। दोस्तों, अगर आप भी पावरफुल मिनिस्ट्री करने की सोच रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए आशीषित सिद्ध होगा। तो जानना चाहते हैं क्या है वो राज? दो प्रश्न। यस दोस्तों, केवल दो प्रश्न। एक्स चैप्टर 9:1-6 में जो दो प्रश्न पॉल ने प्रभु यीशु से पूछा था, वही है वो रहस्य जिसको अगर आप भी हर दिन प्रभु यीशु को पूछेंगे तो प्रेरित पॉल की तरह पावरफुल मिनिस्ट्री कर पाएंगे। पहला प्रश्न, हे प्रभु तू कौन है? जब हम भी हर दिन ये प्रश्न प्रभु से पूछेंगे तो प्रभु हमें बाइबल पढ़ने की भूख और प्यास देंगे, जिसको दिन रात मनन करने पर ही हम उन्हें और उनके असीमित प्रेम और योजनाओं को जान पाएंगे। और जितने हम उन्हें जानेंगे उतना ही हम उनके जैसा बनते जाएंगे। हमारा परिवर्तन अंदर से होने लगेगा और हमारा दिल प्रभु के प्रेम और जीवित वचनों से भर जाएगा। दूसरा प्रश्न, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? प्रेरित पॉल की तरह यदि हम भी हर दिन नम्र होकर प्रभु यीशु से ये पूछे कि प्रभु आपने मुझ जैसे पापी को क्यों चुना, क्या चाहते हैं आप मेरे जीवन से, आपने मेरे लिए इतनी यातनाएं सहकर खुद को बलिदान किया, बदले में मैं भी आपकी महिमा के लिए क्या कर सकता हूँ। जब हम ये प्रश्न प्रभु को सच्चे दिल से पूछेंगे तो वे हमें अवश्य मार्गदर्शन करेंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। तो दोस्तों, ये था वो राज एपोस्टल पॉल के पावरफुल सेवकाई का। दोस्तों, बाइबल कहती है, बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि पर गर्व ना करे और न बलवान अपने बल पर, धनवान मनुष्य अपने धन पर घमंड ना करे। किंतु यदि कोई मनुष्य किसी बात पर घमंड करना चाहता है तो उसे इस बात का घमंड करना चाहिए कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं पृथ्वी पर दया न्याय और धर्म की स्थापना करने वाला प्रभु हूँ और मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न न होता हूँ, प्रभु की यह वाणी है। देखिए, यहाँ परमेश्वर खुद कहते हैं कि हमें किस बात पर घमंड करना चाहिए और किस बात पर नहीं। उनका इच्छा ये है कि हम उन्हें जाने और समझे। यहाँ बहुत गंभीर बातें सामने आई है। जानना और समझना दो अलग अलग बातें हैं। उदाहरण, मैं अमिताभ बच्चन को जानता हूँ पर उन्हें नहीं समझता। उनको समझने के लिए मुझे उन्हें सबसे पहले जान पहचान करना पड़ेगा, फिर उनसे मित्रता कर हर दिन उनके साथ वक्त बिताना पड़ेगा, तभी मैं उनको समझ पाऊँगा। उसी प्रकार
परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ हर दिन वक्त बिताएं, उनके करीब आए और उनकी इच्छाओं को जानकर असीमित आशीष प्राप्त करें और एपोस्टल पॉल की तरह सामर्थ्य से उगा करें। गॉड ब्लेस यू।